नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल। रामलीला के आज के अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज के अध्याय में हम देखेंगे कि महाराज दशरथ अपनी वृद्धावस्था के कारण राम के राजतिलक की घोषणा करते हैं, जिससे सभी देवताओं में आशंका पैदा हो जाएगी कि यदि श्री राम राजकार्य में पड़ गए तो उनका जिस उद्देश्य से अवतार हुआ है वो उद्देश्य कैसे पूरा होगा। बस इसी के चलते देवी सरस्वती मंथरा के रूप में विघ्न खड़ा करवाती हैं और केकई दशरथ से भरत को राज और राम के लिए वनवास मांगती हैं। आइए देखते हैं। एक समय सब सहित मंत्री परिषद, हमारे राज्य में प्रजा के लिए सभी प्रकार की सुख सुविधाओं में निरंतरता तो है। हमारे राज्य के सीमांत प्रदेशों में हमारी प्रजा के पास समस्त रसद एवं अन्य सामग्री पहुंच तो रही है। जी महाराज, हमारी सीमाओं में बसे हमारे सभी सैन्य छावनियों में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं? कोई कमी नहीं महाराज। हे सुमंत जी, जिस प्रकार मानव शरीर में सबसे ऊंचा स्थान मस्तिष्क का होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्यों में राजा का होता है। जिस प्रकार मस्तिष्क में शिथिलता आ जाने पर संपूर्ण शरीर में शिथिलता आ जाती है, ठीक उसी प्रकार यदि राजा भोग विलास में लिप्त हो जाता है तो समस्त प्रजा एवं राज्य शिथिल हो जाता है। यदि हमारी प्रजा न हो तो हमारा और हमारे राज्य का कोई अस्तित्व नहीं। सुमंत जी। जी महाराज। आप ये बताइए कि हमारे राज्य में देवालय, शिल्पालय, विद्यालय आदि सुचारू रूप से संचालित तो हो रहे हैं? महाराज, सभी सुचारू रूप से संचालित है। बहुत अच्छा। बजे ताली युगल कर से, नियम यही सदा से है, जब प्रजा है राजा से तो राजा भी प्रजा से है। बैठिए बैठिए मंत्री परिषद, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हे सुमंत जी। जी महाराज। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? महाराज, हमारे राज्य में सभी प्रकार से प्रजा सुखी है। सभी अपने अपने काम में व्यस्त है और कोई भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छा सुमंत जी। जी, हमारे मन में कुछ दिवसों से एक शंका उत्पन्न हो रही है। क्या महाराज? बताएंगे, कृपया आप दर्पण मंगवाइए। सेवा दर्पण लाओ। लो महाराज, मंत्री श्रेष्ठ। जी महाराज। श्रवण समीप भय सिद्ध के सा मनहु चरठ बनु उपदेश। हमारे कानों के समीप आ रहे सफेद बालों से हमें ज्ञात हो चुका है कि हमारा चौथापन अब आ चुका है। अतः अब हमें
इस राज कार्य को त्याग कर शेष आयु भगवत भक्ति में लगानी चाहिए। हे मंत्री श्रेष्ठ जी महाराज, हमारे ज्येष्ठ पुत्र राम सभी प्रकार से योग्य हैं। यदि आप समस्त मंत्री परिषद की सलाह हो तो हम चाहते हैं कि अब इस राज्य के भार को राम को सौंप दिया जाए। स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। बहुत अच्छा, आप समस्त मंत्रियों के विचार हमने जान लिए हैं। अतः अब हम सर्वप्रथम गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास जाएंगे और उनसे इस शुभ कार्य की आज्ञा लेंगे और उन्हीं की आज्ञा अनुसार आगे की समस्त कार्यवाही करेंगे। जैसी आज्ञा प्रभु। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। यशस्य हो राजन। हे अवधेश, आप किस प्रयोजन से पधारे हैं? हे गुरुदेव, आपके दर्शन पाने के लिए प्रयोजन की आवश्यकता नहीं, आपके दर्शन मात्र से ही हमारे हृदय की समस्त व्यथा एवं चिंताओं का नाश हो जाता है गुरुदेव। किंतु हाँ, आज ये दास एक निवेदन लेकर आया है। हे गुरुदेव, आपकी त्रिकाल दर्शिता, आपकी दूरदर्शिता तो सर्वव्यापी है। हे गुरुदेव, आपको तो ज्ञात है कि अब मेरा चौथापन आ गया है। इस वृद्धावस्था के कारण अब ये उचित है कि ये राज कार्य मैं ना संभालूं। और हे गुरुदेव, इसके अतिरिक्त निवेदन है कि ज्येष्ठ पुत्र राम आपके आशीर्वाद से सभी प्रकार से योग्य है। तो हे गुरुदेव, सेवक की इच्छा है कि अब राम ही अयोध्या का राजा हो, और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी शेष आयु भगवत भक्ति में लगाना चाहता हूं। अब मैं अपनी शेष आयु भगवान के नाम के सुमिरन में संतों के साथ सत्संग में व्यतीत करना चाहता हूं गुरुदेव। हे गुरुदेव, कृपया आज्ञा दीजिए। राजन, आपकी ये सारी बातें आपके कुल वंश परंपरा के अनुकूल है। पुत्रों को डाले राज्यभार, है राजाओं का धर्म यही। चौथापन परमात्मा को दे, है गृहस्थियों का भी धर्म यही। अवधेश, आपकी ये बातें मन के संयम पर निर्भर है। तब करो तपोवन में जाकर, बस यही आप गलती पर है। घर में ही एकांत वास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो, वो चिंताओं का बहिष्कार आवाहन आत्म तत्व का हो। श्री रामचंद्र युवराज बने, बस यही विचार अब सुंदर है। श्री रामचंद्र युवराज बने, बस यही विचार अब सुंदर है। छोड़ो सारी चिंता मन की, जब चिंता मणि अपने घर है। इसलिए हे राजन, फिर रामचंद्र के युवराज बनने की घोषणा कीजिए और आप घर में रहकर ईश्वर आराधना कीजिए। बहुत अच्छा गुरुदेव, इसी कार्य से इसी निवेदन के साथ मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ था। हे गुरुदेव, आपने आदेश देकर मेरे मन का भार दूर कर दिया। वास्तव में ये एक पुनीत अवसर है। हे गुरुदेव, जैसा आपकी आज्ञा है वैसा ही होगा। सुमंत जी, जो आज्ञा महाराज। जिस प्रकार गुरुदेव ने आदेशित किया है, गुरुदेव की आज्ञा अनुसार कल ही राम का राज्याभिषेक होगा। आप जाइए और ज्येष्ठ पुत्र राम के राज्याभिषेक की समस्त तैयारियां करवाइए। हे गुरुदेव, आप भी समय पर पधारें। अवश्य।
राजन अवश्य। कल श्री राम को अयोध्या का राज्य तिलक होगा और जिस कारण से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पृथ्वी पर अवतार हुआ है वह कार्य पूर्ण नहीं होगा। हम सभी देवता इस राक्षस राज रावण की कैद में पड़े रहेंगे, इसलिए हे देवी सरस्वती आपसे हमारा अनुरोध है, तुम ऐसा उपाय करो जिससे श्री राम को अयोध्या का राज न मिलकर वनवास मिले, ताकि निशाचरों का नाश हो और पृथ्वी का भार हल्का हो। हमारी बारंबार प्रार्थना है कि आप श्री राम को राज्य मिलने में विघ्न उपस्थित करें। नाम मंथुरा मंदिमति चेरी के कई के अजस पिटारी ताक गई गिरा मधु भे आज नगर में उत्सव रंगारंग हो रहा है, आज कोई नई बात होने वाली है। अयोध्या में मंदिरों में देखो झालर घंटा बज रहे हैं, मंगल में बधावे बज रहे हैं, कोई ना कोई बात तो है आज अयोध्या में। मंत्रा जी प्रणाम। अरे लाला अपनी अयोध्या में कोई नई बात होने वाली है। मंत्रा जी आपको नहीं पता? नहीं, हमारे राजकुमार राम का कल राज तिलक होगा, हमारे महाराज ने घोषणा कर दी है। राज तिलक होने की घोषणा कर दी है? हाँ। अच्छा, इस वजह से ये ढोल नगाड़े शंख घड़ियाल इस वजह से ये बज रहे हैं और इस वजह से पूरा नगर सजाया गया है। अच्छा, तभी ऐसा हो रहा है। मुझे ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे राम के राज तिलक होने में बाधा उत्पन्न हो सके। वो उपाय करना ही पड़ेगा। ये देखो साधारण सी दासी क्या क्रूर समस्या करती है, तक ताही लौटा दूंगी मैं ये घोर प्रतिज्ञा करती है। बल कौशल अगर देखना है तो इन अबलाओं में देखो, रात ही रात में क्या होता है इन राजा के महलों में देखो। महारानी जी जुहार। प्रसन्न रहो दासी। मंथुरा आज इतनी उदास क्यों है, क्या बात है? महारानी जी
क्या आपको पता नहीं है आज अयोध्या में महाराजा धीराज ने घोषणा कर दी है। महाराजा अपने जो महाराज है ना, उन्होंने घोषणा कर दी है आज राम को राज तिलक होगा। सच? हाँ। तो मंत्रा, ये तो बहुत खुशी की बात है, पर एक बात बता, तू इतनी उदास क्यों है? हम सबने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल बखेरे हैं। तू जो हो रही शगुन साथ, कैसे ये लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध बता दासी, क्यों छाई तुझे उदासी है? महारानी जी, जिसको राज तिलक होने वाला है, ये सब उसी का जाल बिछाया हुआ है। और देखो, कौशल्या के तो भाग्य ही इतने बढ़िया हो गए। और देखो, तुम तो गहरी नींद में सो रही हो। देखो, तुम समझती नहीं हो, तुम तो ये सोचती हो राजा मेरी मुट्ठी में है, ऐसा नहीं है। और देखो, तुम्हारी संतान की तो जड़ी काट दी है जड़। अरे ओ चांडालिनी, दूर हट जा। तू श्री राम जो सुकुमार हैं, बाल्यावस्था में हैं, उनकी माँ कौशल्या जो सभी पुत्रों को अपने गर्भ से जन्म लिया हुआ समझती हैं, तो उन पर दोष लगाने आई है। इस कुटुंब में जहाँ बड़ों को आदर के साथ सदैव एक सूत्र में बांध कर रखा जाता है, तो उसमें भेदभाव निकालने आई है। मंथरा, आज तू हम सबकी खुशियों पर पानी फेरने के लिए आई है, तो दूर हट जा यहाँ से। ऐसी बात मत कर मंथरा। सुन दासी, तू मेरी प्रिय है, ऐसी बातें मत कर। हाँ, कल मेरे राम का राज तिलक है, मैं तुझे मुंह मांगाई नाम दूंगी। और सुन मंथरा, मैं तुझे अपना ये प्रिय हार भी दे दूंगी, पर इस तरह की बातें मत कर। मेरे कुटुंब में आग लगाने के काम मत कर मंथरा। ये हार तुम्हें मुबारक हो, दासी न लालची माल की है जीत राम की, और हार उस भोले भरत लाल की है। ओ दुष्टा, हो जा मौन, राजपाट के कार्य में तू होती है कौन? मुझे राम भरत सम एक सम है, एक पेड़ की शाखें हैं, मुझे चिड़िया के दो पर हैं, ये दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सम प्यारा है, तो भरत राम सम प्यारा है। भरत गोदी दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। दासी, किस तरह की बातें करती है तू? कोई नृप हो हमें कहानी, तेरी छान अब भोग के रानी, तेरी छान अब भोग के रानी। कोई राजा बने, मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। आप महारानी जी, आप समझिए, यदि तुम इस रण में हार गई, तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रणवासों में। धिक्कार ऐसा परवस जीवन, क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है? अधिकार नहीं, सम्मान नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। वक्त हो गया है एक छोटे से अल्प विराम का। अल्प विराम के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं रामलीला का अगला प्रसंग। ठीक ही है मंथरा, अब ध्यान मुझे भी आता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है।
मेरा भला चाहती है तू, ये मैंने पहचान लिया, निश्चय ही खोट भूप में है, ये मैंने पहचान लिया। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको। हो राज तिलक भरतलाल का कोई सरल उपाय बता मुझको। बता दासी मंथरा, तू मेरे पीहर से आई है, तू ही तो मेरे सगों में है, अब तू ही मुझे कोई ऐसा उपाय बता। देख अब तू जैसा कहेगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। यदि मंथरा तू मुझे कहे कि कुएं में कूद जा, तो मैं कुएं में भी कूद जाऊंगी। और सुन, यदि तू कहे तो मैं महाराज को भी छोड़ दूंगी। मंथरा अब तो तू ही मेरी सगी है, तू ही मुझे बताएगी मुझे क्या करना है। हाँ, अब आई समझ में महारानी जी? आ गई ना समझ में? आपको देख लो, सब समझ गई मैं। होगा यह याद तुम्हें रानी, दो बार राजा पर थाती है, ये घर का युद्ध जीतने को बस ये दो तीर ही काफी हैं। और सुनो महारानी जी, नृप जब अंतपुर में आवे, तिरछी करे भौं कमानों को, और पहले दिखलाओ त्रिया चरित्र, फिर मांगो उन वरदानों को। महारानी जी, तेरी मति की बलिहारी, अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही है उसकी महतारी। देखो महारानी जी, मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जावे। समय मांगना महारानी जी, किस समय मांगोगे बताओ? उस समय मांगना जब सौगंध राम की खा जावे। ठीक है, और कहना कहना दो वचन मांगती हूँ, राज भरत को और राम जी को वनवास। ये दो वचन आप ठीक तरह से अपनी त्रिया चरित्र दिखाना, ऐसा नहीं हो कहीं भूल जाओ आप। अरे वाह, हाँ। मंथरा तूने तो मुझे जीत ही लिया है इस तरह की बातें करके। मुझ सीधी ने यह समझा था राम भरत की जोड़ी है, बलिहारी तेरी जाऊं दीवार भरम की तोड़ी है। मंथरा अब कदापि नहीं होगी कौसल्या की मनमानी, भरत लाल युवराज बनेंगे ये मन में है मैंने ठानी। क्या मजाल राजा की जो अधिकार भरत का चूर करे, पर एक बात कहती हूँ मैं, यदि तू उसे मंजूर करे। अब क्या बात बताओ तो सही, आप तो ऐसी बात करती हो। बस बात इतनी है, है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है निरअपराधी है, 14 वर्ष बहुत है वन में, 2-4 वर्ष ही काफी है। मान जाना मंथरा। समझा समझा कर हारी में तुम फिर भी बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश तुम उस पर दया दिखाती हो। महारानी जी, वो एक एक दिन के बदले एक एक महीने दूर रहे, और 14 वर्षों को रामचंद्र वनवासी होकर वन में रहे। और देखो भरतलाल की सोचो आप, इन झमेले में मत पड़ना बिल्कुल भी। देखो ऐसे काम नहीं चलना है। और देखो इतने में भरतलाल जनता के प्रिय हो जाएंगे, और यदि राम हटाना भी चाहे तो हटाना उनको पाएंगे। अब मैं वही करूंगी जो तू कहेगी। अब आप कोप भवन में जाओ। अच्छा, हाँ वही दिखाना अपनी त्रिया चरित्र, जैसे भी हो जाए अपन को काम करना है। देखो भरत जी को राज तिलक हो जाए, या से बढ़िया और कहा काम हो, बताओ आप। बिल्कुल सही बात। और देखो अब मैं जा रही हूँ, देखो तुम याद रख लियो है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, है ना? ठीक है,
देखो महारानी जी भूल मत जाइयो। मैं देखो तुमको बार बार याद दिला रही हूँ, देखो है अपना काम बिगड़ नहीं जाए और ध्यान रखना, बिल्कुल जा रही हूँ मैं। ठीक है मंत्रा, ठीक है महारानी जी, ठीक है। हमारे प्यारे राम को राज्याभिषेक, हमारी प्राण प्यारी महारानी कैकेयी को जब ये सूचना मिलेगी कि उसका प्रिय पुत्र राजा होने जा रहा है तो उसका हृदय कमल खिल उठेगा। किंतु यह क्या, क्यों पांव न आगे बढ़ता है? चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। चलता तो है राजा दशरथ, दशरथ के पांव नहीं चलते। क्या बात है, हमें किसी प्रकार के शुभ शगुन दिखाई नहीं दे रहे हैं और हम महल के इतने समीप आ पहुंचे, महारानी कैकेयी का कोई पता नहीं, क्या कारण हो सकता है? दासी, महारानी कैकेयी कहाँ है? महारानी तो कोप भवन में है महाराज। कोप भवन में? जी। इस शुभ अवसर पर कोप भवन में क्यों? क्षमा करें महाराज। वास्तव में इस मनोहर मूर्ति का ये श्रृंगार शोभा नहीं देता। दशरथ, दशरथ तेरा जीवन व्यर्थ है, जो तेरे होते हुए तेरी प्राण प्यारी इस प्रकार रूठी हुई। हे कोकिल बैनी, हे गजगामिनी, हे प्राण प्यारी महारानी, यह क्या, बोलो बोलो तो ढंग बेढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? वास्तव में महारानी तो आज बहुत रूठी हुई है। क्या कारण है महारानी, क्या आपसे किसी ने कुछ कह दिया? ओहो, महारानी तो ऐसे नहीं मानती। रानी जी बताइए, किसका ऐसा दुस्साहस हुआ तो दशरथ के प्राण को अप्रिय वचन कह दिए? कहिए रानी जी बताइए, जिन आंखों ने हो त्रास दिया वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जिह्वा कड़वी बोली हो वो जिह्वा कटवा दूंगा मैं। किंतु कोकिल बैनी, लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचल रहा? किस मांग की उलझन में रानी, काकुल काकुल रंग बदल रहा? क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। देखिए रानी जी, आपके प्रिय पुत्र राम का राज्य अभिषेक है। अच्छा, अब समझा, आपसे पूछे बिना आपके इस दास ने निर्णय ले लिया तो आपका रूठना स्वाभाविक है। किंतु महारानी जी, हम तो चाहते थे कि ये शुभ समाचार आपको यकायक मिले, और जिस प्रकार जैसे ही हम आपको समाचार सुनाए तो आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता की मुद्रा को सर्वप्रथम हम देखना चाहते थे। रानी जी, आपका रूठना हमसे सहन नहीं होता। हे दशरथ के प्राण, हे कोकिल बैनी, इस प्रकार से दशरथ से रूठो ना। उठो रानी जी, चलो सोने श्रृंगार करो। क्यों धूल धूसरित हो रानी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, बोलो बोलो रानी। महाराज, आप इस समय मुझ दासी के पास, आपको तो अपनी प्रिय रानी कौसल्या के पास होना चाहिए। वैसे भी मैं कौन तुम्हारी होती हूँ,
क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो? नहीं रानी, नहीं। राजन, इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, इस मांग पर जान मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं मिलती है। रानी जी, सम्मान मांग कर रानी पूछो अपनी इन पटियों से, प्रियतम की प्रिया जिसी में भरती हो इन्हें मोतियों से। रानी जी, आप तो जानती हैं कि आपका ये प्राणाधार पति एक चक्रवर्ती सम्राट है। रानी जी, कहिए आपकी क्या इच्छा है? ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का सच्चा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो। अच्छा ये कविता जाने दो, आप तो ये बतलाओ रूठी क्यों हो? अरे रानी, तुम तो फूलों सी हस्ती थी, क्या हुआ इस समय रोती क्यों हो? रानी जी, कहिए क्या कारण है? राजन, आप मेरे स्वामी हैं, मेरा मान रखने वाले हैं, रघुवंशी हैं, सत्यवादी हैं, प्रण पालन करने वाले हैं। राजेंद्र, प्रणवीर वही कहलाते हैं जो अपने प्रण को रखते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, शीश कटे तो कट जाए पर वचन नहीं जाने पाए। महाराज, आपको याद तो है ना कि आपके पास मेरे दो वचन धरोहर स्वरूप हैं। देवासुर संग्राम याद है ना आपको? आपने मुझे दो वचन दिए थे किसी भी सुअवसर पर मांगने के लिए। यदि आप दातार हैं, यदि धनवान हैं, तो आज मैं अपने वे दो वचन मांगना चाहती हूँ। क्या आप मुझे मेरे वो दो वचन देंगे? बस यही। इस पर ये स्वांग, इतनी लंबी भूमिका और 84 मांग। महारानी जी, आपके मुखमंडल पर चिंता के भावों को देखकर हम तो समझ बैठे थे कि हमारी महारानी किसी बड़े प्रयोजन के कारण हमसे रुष्ट है, किंतु ये तो एक छोटी सी बात है। रानी जी, आप तो जानती हैं कि भूलना हमारा स्वभाव रहा है। हम तो राज कार्य में इस प्रकार से व्यस्त हो गए कि उन वरों का ध्यान ही नहीं रहा, और आपने भी कभी उन वरदानों के बारे में नहीं कहा। रानी जी, आप तो जानती हैं कि आपका पति इस प्रकार से कोई कंगाल नहीं। रानी जी, कहिए किस राजा को कंगाल बना दूं और किस कंगाल को राजा बना दूं? रानी जी, बस यही। इस पर ये स्वांग, अरे रानी जी, दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने जी चाहे ले लो। हमने सीखा है नहीं, जो मन को भाए ले लो। इन चिकनी चुपड़ी बातों में मुझको मत बहलाओ। तुम सच्चे हो रघुवंशी, सौगंध राम की खाओ तुम। रानी जी, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर चले जाए, माणिक समुद्रों में हो या पहाड़ों पर मगर जाए, दशरथ वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। रानी जी, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ मेरी बात का ये राज भवन है, साक्षी है आकाश, ये पृथ्वी और पवन है। लीजिए रानी जी, याद रखिए, मगकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपके कहे अनुसार, रानी जी, आपके कहे अनुसार है आन पहली मर्तबा उस पाप
थाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की। ठीक है राजन, अब मुझे विश्वास है पाऊंगी मैं वरदान। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक पर भर दही जी का। सुनो राजन, मेरा पहला वरदान सुनो। मेरे पुत्र भरत को राज तिलक मांगती हूँ। धिया, रानी जी, आप इतनी सी मांग के लिए इतना स्वांग कर रही थी। दिया, राजा चाहे राम हो या भरत हो, दोनों ही हमारे प्यारे हैं। हमने तो केवल ये देखा कि राम ज्येष्ठ हैं और उन्हें युवराज बनाकर राज्याभिषेक करने का निर्णय कर दिया। कोई बात नहीं, मांगूं दूसरे बर कर जोई, पुर बहु नाथ मनोरथ मोई। अब मैं दूसरा वरदान मांगती हूँ, हाथ जोड़कर आपसे दूसरा वरदान मांगती हूँ। निसंकोच कहिए रानी जी। तापस वेश विशेष उदासी, चौदह परशु राम बनवासी। राजा जो राम हो रहा वह राजा नहीं उदासी हो, कल से ही 14 वर्षों को तापस वेश वनवासी हो। प्राणेश, प्यार सच्चा है तो रानी के सम्मुख मुख खोलो। प्रणवीर यदि कहलाते हो तो राजन तथास्तु बोलो। बोलो राजन तथास्तु बोलो। बोलो ना राजन तथास्तु बोलो। कब देऊ सरकार भयो, कयो नार विश्वास। जो सिद्ध फल समय जिनु, हे भगवान, हे भगवान, मैं नारी का विश्वास करके वैसे ही मारा गया जैसे कोई योगी अपनी योग साधना के अंत तक पहुंचने से पहले माया के वशीभूत होकर भ्रष्ट हो जाता है। रानी, रानी, सब पुत्र पिता को है समान, ये बात तू भी जानती है। है मुझे एक से राम भरत, ये त्रिभुवननाथ साक्षी है। पहला वर जो तूने मांगा रानी, रानी, पहला वर जो तूने मांगा वो नहीं हुआ है भार। मुझे मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। राम, राम वनों में वास करे वो भी 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है मैं समझ ना पाया। फिर रानी, रानी, ये विनती स्वीकार ले, ले राज भरत ही को, पर और क्रूर व्यवहार न कर। मेरा राम, मेरा राम गौ सा दया पात्र है, क्यों उसके साथ अन्याय न कर। रानी, रानी, ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है,
इस समय पकड़ कर पाँव तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी ना हो दूर मुझसे आनंद धाम मेरा, इन बूढ़ी आंखों के आगे सदा रहे राम मेरा, सदा रहे राम मेरा, राम राम। हे राजन, क्या भरत आपके बेटे नहीं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं? जो आप मेरे भरत के राज तिलक पर, राम के वनवास जाने पर इतना विलाप कर रहे हैं, आप मेरी बातों का उत्तर क्यों नहीं देते? ध्यान देकर क्यों नहीं सुनते? राजन, मैंने जो दो वर मांगे हैं वो मैं मिटा नहीं सकती, पत्थर पे खिंची हुई रेख धोने से मिटा नहीं सकती। राजन, मेरे वरदान आपको देने ही होंगे। एक उपाय मैं सुझा सकती हूँ। बोलो बोलो, क्या कहीं ऐसा उपाय कह दो जिससे मेरा राम मेरे पास रहे। बोलो क्या कहीं, शीघ्र बोलो। अवधेश, यदि आप अपनी बूढ़ी आंखों का सहारा राम सदैव अपने पास रखना चाहते हैं, तो एक सुझाव है मेरे पास। बोलो। वह यह है कि अभी बात पंचों में नहीं पहुंची है, अभी बात आपके और मेरे मध्य है, कोई अपमान नहीं होगा। बस आप एक बार अपनी जिह्वा से कह दें कि मैं पुराना वरदान नहीं दूंगा। और नीच पुत्री वाली औरत उच्च से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है तू उससे हमें डिगाती है। सुन दुष्टा, हम सूर्यवंश की चादर पर कालिमान नहीं आने देंगे। सुनती है सब कुछ देंगे पर धर्म नहीं जाने देंगे। उफ उफ, क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, इस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। बस बस दशरथ, बस बस, सब कर्तव्य तराजू में तेरा जीवन तुलता है, इस ओर धर्म का बाट धरा, इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे के प्यार दूर हो जा, मेरा उत्थान कर्म पर है। ओ मोह, पलायन हो जा तू, मेरा उत्थान चरम पर है। ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में, ओ बूढ़ी आंखों की आशा जा तू भी सो जा पहलू में। रानी क्या कहती है, मेरा तो जो कुछ है सब धर्म पर न्योछावर है। तू क्या संताने, क्या मेरा तो सब कुछ बलिदान धर्म पर है। सत्य का ये आवेश तो वरदान दे दीजिए अवधेश। भोग प्राप्त मनु बेश भल, जो नाम बन जाए मोर मर्म यसु अजसु, नृप समझो मन मान। हे राजन, यदि प्रातः काल होते ही राम वन को नहीं गए तो आप सुन रहे हैं, मैं अपने प्राण दे दूंगी। उदय दिन
यदि प्रात काल हो के नहीं मन को गए राम, यदि प्रात काल हो के नहीं मन को गए राम, यदि प्रात काल हो के नहीं मन को गए राम, यदि प्रात काल हो के नहीं मन को गए राम, मन जाऊंगी कर जाऊंगी कर जाऊंगी मैं शीघ्र ही पश्चाताप होगा कि तू किस प्रकार ईर्ष्या की अग्नि में जल रही है। नहीं किए, चाहे मुझे फांसी लगानी पड़े, चाहे मुझे जहर खाना पड़े, मैं आपके यश को मिट्टी में मिला दूंगी, आपको बदनाम कर जाऊंगी, संपूर्ण पृथ्वी पर आप अपयश के बोझ को सहन नहीं कर पाएंगे। बस बस रानी बस, बंद करिए वार्तालाप, उत्तेजित के हृदय में और न भर उत्पात। ठीक ही है, यदि तूने हमसे प्राण मांगे होते तो हम कदापि देर नहीं करते। अरे उल्टा तूने शंबर असुर युद्ध में मेरे प्राणों को बचाया ही क्यों था, जब उन्हें इस प्रकार से छीनना था। ठीक है रानी, आज हमारे पैरों का सत जा रहा है, हमसे पृथ्वी पर खड़ा नहीं रहा जा रहा, किंतु अभी हमें ये कर्तव्य चुकाना है, हमारे धर्म को सत्य साबित करना है। रानी इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, जो तू मुझको ललकार रही, अरे मूर्ख तू अपने पैरों पर खुद आप कुल्हाड़ी मार रही। रानी तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन तू अपनी करनी पर सिर थुन थुन कर पछताएगी। अच्छा अच्छा जो होना है होगा, उसकी न मुझे कुछ चिंता है, मेरा तो आज धर्म पर ही जो कुछ है सब न्योछावर है। रानी ले ले, तेरी कुटिल नीति पूर्ण चाल हो रहा है, देख देख रानी देख, ये दशरथ तुझे राज भी देगा, तुझे ताज भी देगा, तेरी सारी मनोकामना को पूर्ण करेगा। ले रानी ले, राज भी ले, ताज भी ले, बल भी ले, वनवास भी ले, और ले इस दशरथ के प्राण भी ले। सेवक सचिव कहीं उदित रवि देख, जागे वजूना बधिपति कारण कहन विशेष। क्या कारण है?
भोर होने को आई है और महाराज अभी तक जगे नहीं है, रात तिलक का समय हो रहा है और सभी नगरवासी पूछ रहे हैं कब रात तिलक होगा, मुझे चलकर देखना चाहिए। महाराज को प्रणाम। महारानी जी को प्रणाम। महारानी जी, क्या कारण है महाराज की इस प्रकार ये ऐसी दशा क्यों हो रही है? हे सुमंत जी, आज सारी रात हुई महाराज सो ही नहीं पाए, सारी रात राम राम रटते रहे हैं। अब आप एक काम कीजिए, राम को ही बुला लाइए, वो आ जाए तो सारी बात समक्ष आ जाएगी। जाइए। आज्ञा महारानी जी। तो देखा आप सभी ने किस प्रकार विधि का विधान रचा गया। कौशल्या पुत्र राम के राजतिलक की तैयारी चल रही थी और कहा उनके वनवास जाने का ताना बाना बुना गया। आगे क्या होता है, केकई के वरदान किस तरह पूरे रघुवंश को संताप में डाल देते हैं, श्री राम कैसे माता कौशल्या को यह सब वृतांत सुना पाएंगे, देखेंगे कल के अध्याय में। जय श्री राम।